मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। अरे क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? चांद मुबारक, रमजान मुबारक, परवरदिगार हम सबको इबादत करने की तौफीक अदा करे, आमीन आमीन। दोस्तों एक थॉट है, हर नमाज में, हर इबादत में, रमजान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? मांगते हैं ना। तो क्यों ना इस रमजान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना मांगकर सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उनकी सलामती, तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआ मांगे। ट्राई करने में क्या है, फिर देखो बिना मांगे वो कैसे दे देता है। और हाँ, हर नमाज में, हर इबादत में ये मनुष्य कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की दुआ जरूर करना, और ये इबादत नमाज सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठकर करना, प्लीज। ओके, ईद में बात करते हैं, रमजान मुबारक।